गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। इट्स रेनिंग अगेन इन मुंबई। हो सकता है आपके यहाँ भी बारिश हो रहा हो, पानी गिर रहा हो। अच्छी बात यह है कि जब रेनफॉल होता है तो शहर थोड़ा थम जाता है, उससे अपने आप से एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है। लेकिन मुझे चिंता उस जगह की है जहां पर जो है वो बाढ़ की सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, बिहार के कई हिस्सों में ऐसा सिचुएशन है। कुछ बच्चों ने फोटो भेजे अपने घर के, जिसे देख कर बड़ा लगता है कि भाई पानी घरों में भरा रहा है और सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा टफ टाइम है एक्चुअली, रेनफॉल भी काफ़ी हो रहा है, कोरोना का भी वक्त है, तो हमको जो है वो मतलब ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा 2020 एक टेस्टिंग ईयर के समान है। ठीक है ना, ये हमारे लिए एक चुनौती बनकर आया हुआ है। अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि आप में से कई सारे जो लोग हैं उन्होंने मुझे बोला कि सर NTA एग्ज़ाम ले रहा है, IIT का एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहा है अपना, नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके चलते हमें घबराहट हो रही है, हमें एक अजीब सा जो है वो डर लगने लगा है मन के अंदर। क्योंकि ऐसे कई मैसेजेस और ऐसे कई मेल और ऐसे कई जो है वो कॉल भी मैंने रिसीव किए, जिसमें कि जो है वो साफ साफ इस बात को उसमें को हम समझ सकते हैं कि घबराहट एक पैनिक क्रिएट हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी तरह का पैनिक जो है ना वो आपकी किसी भी लेवल पर हेल्प नहीं करेगा। एक बात तो कान खुलकर समझ लीजिए अच्छे से कि हमेशा कोई समस्या को और गहराई से समस्या के रूप में ही प्रोजेक्ट करने से समस्या का समाधान कभी नहीं मिलता है। जब आपके सामने एक प्रॉब्लम हो, एक समस्या हो और आपका फोकस केवल समस्या के ऊपर रहेगा ना, तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको समस्या को समझने के लिए बाहर निकलकर आपको देखना पड़ेगा कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या है ना, जो भी दी गई कंडीशन है उस दी गई कंडीशन पर हमारे पास में क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस समस्या से निपट सकते हैं। और जब आप जो है वो इस प्रकार से फोकस करेंगे कि आपका फोकस जो है वो समस्या से हटकर समाधान की ओर होगा, सॉल्यूशन की ओर होगा, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। कई लोगों को चिंता लगती है कि हमारे घर में जो बाकी पेरेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, तो हम कैसे अपना उनका ध्यान रख पाएंगे, हम कि हमें इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने कहा ना कि यदि आप अपना प्रॉपर प्रिकॉशन रखेंगे तो संभावनाएं इन्फेक्शन की काफ़ी कम होंगी। फिर कई लोगों का बोलना है कि SOP फॉलो नहीं होता है सेंटर्स पे। अभी फ़ोटो भी आया कि कर्नाटका में एग्ज़ाम हुआ, केरला में एग्ज़ाम हुआ, उसके फ़ोटो भी आए हुए हैं कि भीड़ लगी हुई है। अब ये बताइए, भीड़ किसकी? भीड़ तो हम ही लोगों की ना, हम ही लोग तो SOP फॉलो नहीं किए ना, तो हमको उसको फॉलो करना है। अब रही बात सरकार से उम्मीद करने की, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि यदि केसेस और तेजी से बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट विल टेक सेंसिबल डिसीजन। लेकिन NTA को इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब मुद्दा है, चलिए अब सरकार क्या कर रही है एग्जाम का भी, वो तो हम एक तरफ रखते हैं उस बात को। अभी मुद्दा यह है कि हम अपनी मनोस्थिति को कैसे संभालें। इस समय सबके लिए टफ टाइम है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे जा रहे हैं, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के लिए, इवन मैं कहता हूं जो आपके पापा रोज ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, जो भी आपके वर्क चालू हो चुके हैं, उन सब के लिए चुनौतीपूर्ण समय है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना कि जो है मनुष्य हमेशा, हर समय ह्यूमन बीइंग को टेस्ट किया गया है और टेस्ट करके वो हमेशा जीत कर बाहर निकला है। कई लोगों को लगता है कि सर की सर बातें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपका पूरा फोकस हमेशा सॉल्यूशन पर होना चाहिए, ना कि केवल समस्या पर। के दूसरी बात ये होती है कि ये वक्त वो है, आप कई बच्चों को लगता है कि पढ़ने में सर हम कैसे करें, क्या करें हम के, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप जो भी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक बात समझना है कि एग्जाम के ठीक कुछ दिनों पहले आपको एक मशीनी व्यवहार करना है। आप समझते हैं मशीनी व्यवहार का मतलब क्या होता है? मशीनी व्यवहार का मतलब होता है कि आपको थॉटलेस, कि आपको ये सोचना नहीं है कि मेरा एग्जाम में क्या होगा, क्या मेरा परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा, इस बारे में मत सोचिए। केवल एक बार एक चीज़ के बारे में फोकस कीजिए, वो फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम और उसमें क्वेश्चन आएंगे और उन प्रश्नों के मुझे उत्तर देना है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि बाकी लोग क्या करते हैं, मुझे इस बात से मतलब है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन योर ऑन कैपेबिलिटीज, और आपके ब्रेन में इमेंस पावर है कि आप अच्छा कर सकते हैं। और अपने आप को मशीन के समान समझिए, क्योंकि देखिए जब भी आप डिप्रेस होते हैं, जब भी आप दुखी होते हैं, जब भी आप जो है वो परेशान होते हैं, तो आप बेसिकली समय का क्षरण कर रहे होते हैं, टाइम को आप वेस्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम में यदि आप कुछ पढ़ लेते हो, शायद एक आध प्रश्न का उत्तर आप और सही करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, कि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि डिप्रेशन के नंबर अलग से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नंबर के डिप्रेशन। अरे देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ,
सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, असफलता व्यक्तिगत शोक है। असफल होने पे लोग तुम में 50 खोट निकाल देंगे, सफल होने में तुम में 50 खूबियां निकाल देंगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कैसे जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, कई लोगों का बोला है सर परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को ठीक करने वाला व्यक्ति भी तो सिर्फ आप ही है ना। यदि आप जो है वो अपनी स्केप वेलोसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो जहां आप फंसे हैं वहीं फंसे रह जाएंगे, और उस फंसे हुए से निकलने के लिए आपको अपनी स्केप वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हर समय हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी बड़ी ना बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन विजेता वही होते हैं जो अंत में हथियार डाले बगैर आगे बढ़ते हैं। याद रखना कि इस समय कई सारे ऐसे लोग हैं जो हथियार डालने के बारे में सोच रहे होंगे कि चलो इस बार का एग्जाम स्किप करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, कि ना कुछ ना करते हैं, इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं करते के, और वो कोई ना कोई कंडीशन सिचुएशन को ढाल बना लेंगे कि भाई इस कारण हम नहीं कर पाए। मैं कहता हूं आपसे, आपके आज के 15 साल बाद 10 साल बाद लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ था, आपने अपने सपने क्यों छोड़ दिए, तो आप 10 कारण बताएंगे, और उन 10 कारणों में कोई भी आदमी को यकीन नहीं होगा, कोई भी आदमी उसमें बिलीव करना नहीं चाहेगा, और कोई भी आदमी को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे 10 साल बाद लोग पूछेंगे आपसे कि आपने उतने टफ टाइम में आपने कैसे सफलता प्राप्त किया, तो आपके पास एक कहानी होगी सुनाने के लिए, और लोग उस कहानी को सुन रहे होंगे। डिपेंड करता है हम किसी स्टोरी के नायक बनना चाहते हैं या उस स्टोरी में हम कोई किरदार ही नहीं है, जिस कहानी का कोई मैं जो है हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये जो आखिरी का जो वक्त होता है ना, ये हमेशा कठिन होता है। मैं आज भी कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आता हूँ जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं और मुझे वहाँ बोलना होता है, और कई बार मेरा सबसे पहला मेरा टॉक मेरा ही होता है। ठीक है, मुझे आज भी घबराहट होती है, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, मुझे आज भी घबराहट होती है, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे जज करेंगे और मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, मुझे आज भी ये लगता है कि पता नहीं मैं शायद बेहतर परफॉर्म ना कर पाऊँ। आज भी मैं जो है वो कागज में पूरा स्पीच अपना लिख कर जेब में पॉकेट में रखा रहता हूँ, ये सोचता हूँ कि यदि मैं मान लो घबरा गया तो मैं कागज से वो उसको निकाल के पढ़ने लगूंगा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बार स्टेज पर पहुंचने के बाद मुझे कभी वो पेपर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, कभी नहीं निकालना पड़ा मुझे। ठीक है, धीमे 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 मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता गया, लेकिन आज भी मैं घबराता हूँ, आज भी मैं जो है वो असहज महसूस करता हूँ, आज भी मुझे जो है वो अपने आप को बहुत फोकस करना पड़ता है ऐसे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए। ठीक है, ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मुझे बहुत फोकस करना पड़ता है। आज भी जब मैं कोई एग्जाम का फॉर्म भरता हूँ, कोई एग्जाम को मैं देता हूँ, तो मैं उसमें घबराहट महसूस करता हूँ उसमें मिट के। आज भी मुझे लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, आज भी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आज ही मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये तो ह्यूमन नेचर है, लगेगा क्यों नहीं लगेगा। और इस लगने के डर के कारण ही मैं पहले से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ अपने आप को। मैं मशीन मोड में मैंने अपने सोच रखा है कि मेरा शरीर में अपने आप में एक जो है वो व्हीकल के समान हूँ, झट से जब भी आता है मैं ड्राइव मोड में अपने आप को कर देता हूँ आगे, और मैं मशीन मोड में आता हूँ, और मशीन मोड के अकॉर्डिंग फिर मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, आगे पीछे का ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस आगे निकल जाता हूँ उठ के, और फिर रास्ते मिलते चले जाते हैं। आपको भी अपने आप को मशीन मोड पर शिफ्ट कर देना है। आज से अभी से हम लोग ये प्रण लेते हैं कि अभी हम जो है वो जूते भी एग्जाम दे रहे हैं लोग के, सब अपने आप को टक से मशीन मोड में शिफ्ट कर लेंगे, और एक बार मशीन मोड में शिफ्ट कर लेंगे उसके बाद हम ना परिणाम सोचेंगे, ना डिप्रेशन सोचेंगे, ना संकटों के बारे में सोचेंगे, हम केवल समाधान के बारे में सोचेंगे और अपनी स्टडीज के बारे में हम फोकस करेंगे। तो क्या करना है हमें आज अपना मशीन मोड ऑन कर देना है हमें, ताकि मशीन मोड ऑन करने के बाद में फिर ये जो है ना कि आप फोन लगाते हैं, फोन लगाने के बाद आप दुखी होने लगते हैं, आपके आप डिप्रेस होते हैं, बहुत बुरा लगता है आपके लिए, कि आप ऐसा लगता है कि आप आखिरी जो है चोटी पर पहुंचने के पहले आप फिसल रहे हैं। आपको आवश्यकता है अभी लास्ट में अपने पूरे के पूरे मनोबल को इकट्ठा करके लड़ने के, बस कुछ कदम और है, कुछ दिन की बात और है, और आप अपनी लाइफ को बदल लेंगे। द लाइफ विल गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, जस्ट सी दी इमेजिन कीजिए अपने आप को उस बेटर परफॉर्म में, कि आप कैसे दिखेंगे, कैसा आप अचीव कर लेंगे, तो क्या क्या जो है वो आपके सामने होगा। ठीक है, भविष्य की तस्वीर देखिए, इसके बजाय इसके कि वर्तमान में समस्याएं बहुत सारी हमें मालूम है, हम सब चीज़ सब लोग सारे लोग उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि हमें अपने आप को कैसे फोकस करना है। तो क्या करना है, हमें मशीन मोड ऑन करना है, डिप्रेशन मोड को ऑफ कर देना है। तो हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।